नमस्कार, मैं हूं आशु दत्त। 30 दिन में कमोडिटी ट्रेडिंग को कैसे मास्टर करें, आज उसकी चर्चा करेंगे हम। आज हम बात करेंगे एनर्जी कमोडिटीज। देखिए, हर कमोडिटी सेम नहीं होती, इनके पैटर्न भी अलग होते हैं, एनर्जी, मेटल, एग्री कमोडिटीज। आज हम बात करेंगे एनर्जी कमोडिटीज़। तो एनर्जी कमोडिटी देखिए वैसे तो बहुत होते हैं, आप क्रूड ऑयल ट्रेड कर सकते हो, आप नेचुरल गैस ट्रेड कर सकते हो, कोई कोई मार्केट में आप कोल भी ट्रेड कर सकते हो। हमारे मार्केट में दो ही चीज़ें हैं, आपको या तो क्रूड ऑयल मिलेगा, अगर क्रूड ऑयल नहीं लेना है आपको तो फिर नेचुरल गैस मिलेगा आपको। तो क्रूड ऑयल की जो प्राइसेस हैं, आप कहेंगे साहब इसमें ट्रेड कैसी की जाए। देखिए, क्रूड ऑयल डे ट्रेडिंग के लिए बहुत अच्छा एक कमोडिटी बन सकता है, क्योंकि क्रूड ऑयल में क्या है, आपको 20, 30, 40, 100 रुपए की मूवमेंट मिल जाती है। मगर क्रूड ऑयल कोई कोई वक्त ही ऐसा होता है जब 6000 से आप देखेंगे कि 10000 जा रहा है। ऐसा नहीं है जैसे मैंने आपको एग्री कमोडिटीज़ में बताया था, जहाँ पर 20-30% की अप्रिसिएशन 2-3 दिनों में आ सकती है, क्योंकि वहाँ जो है लोकल प्लेयर हैं, कम है, वो फिक्स कर सकते हैं, मगर ये क्रूड ऑयल में वो नहीं हो सकता। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको कोई भी दुनिया में ऐसी चीज़ देखेंगे, या तो वॉर शुरू हो रहा है, या वॉर की आशंका है, या दो देश जो हैं ऐसी बात कर रहे हैं कि कुछ ये हम लड़ाई करेंगे, या कोई डिसरप्शन हो गई है, कोई शिप फट गई है, छोटी छोटी चीज़ जो है जिसमें पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी या मिलिट्री अनसर्टेनिटी दिखती है, उसमें क्रूड मूव होता है। तो अगर आपको कभी भी ऐसी खबर मिले तो आप जो है क्रूड जो है उसमें लॉन्ग जा सकते हैं। नीचे की तरफ जो है क्रूड, जो बाकी चीज़ें जैसे स्टॉक में क्या होता है, नीचे की तरफ मार्केट जल्दी गिरता है, क्रूड में नीचे की तरफ मार्केट आराम से गिरता है, ऊपर की तरफ बहुत जल्दी रिएक्ट करता है। इसलिए इसमें क्रूड में आप वो ध्यान रख के चलिए करिए। एक नेचुरल गैस, इसलिए नेचुरल गैस क्या है, देखिए कोई इंडिया की कीमतें नहीं होती, नेचुरल गैस जो है US की कीमतों पर चलता है। तो वहाँ पर आप ये ध्यान रखिएगा कि उसकी कीमत, जैसे वहाँ ठंडी ज़्यादा होगी तो फिर नेचुरल गैस की कीमत बढ़ने शुरू होती है, उसमें डे ट्रेड भी अच्छी है और उसमें डायरेक्शनल ट्रेड भी आप ले सकते हो जैसे ठंडी ज़्यादा है। एक और चीज़ आप बहुत ध्यान रखिएगा, एनर्जी कमोडिटी चाहे क्रूड है या नेचुरल गैस है, उसमें रुपी का क्या भाव है, उसका बहुत इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट है। देखिए, अगर क्रूड ऑयल की प्राइस गिर रही है और रुपी जो है अप्रिशिएट हो रहा है, तो फिर वो क्रूड ऑयल की प्राइस जो है इंडिया में जो है कम दिखेगी ना, क्योंकि अगर $100 का क्रूड है मार्केट में और $100 की जगह 95 हो जाता है, मगर रुपी भी जो है जो 60 से 40 हो जाता है, तो पूरी कीमत इंडियन रुपी के बेसिस में कम हो सकती है। तो कभी कभी अगर आपको रुपी अप्रिशिएट होते देखे और क्रूड ऑयल जो है वो डिप्रिशिएट होते देखे, तो आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपको लगेगा कि ग्लोबल मार्केट में तो क्रूड गिर रहा है या इंडियन मार्केट में कैसे चढ़ रहा है वो, क्योंकि उसमें रुपी का भी इम्पैक्ट है और क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की प्राइस का भी इम्पैक्ट है। वो दोनों चीज़ याद रखिएगा। आज के लिए इतना ही, मैं हूँ आशु दत्त।